मकान मालिक नहीं कर रहा अभी यहाँ लोगों को नहीं मतलब है मतलब मैं बताऊँ मैं बताऊँ मैं बताऊँ और भाग की शादी कर भी ली कि हमारी लव मैरिज है ना तो दंग रह जाएंगे कि हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं वेलकम बैक टू माय चैनल और आज का व्लॉग हाँ जी स्पेशल है वो इस वजह से क्योंकि बहुत स्पेशल है एक स्पेशल होता है एक बहुत स्पेशल होता है क्योंकि कुछ खास दिन है वो तो व्लॉग में अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अभी के पापा बताएंगे क्योंकि मुझे लगता है कि अभी पापा को याद है इस वजह से चल रही है शेविंग चल रही है नहाना चल रहा है और मैंने उनके लिए अपनी मैचिंग का है कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं मैचिंग का एक टी शर्ट निकाल दिया है कि मैच हो अविष्का थोड़ी अनमैच्ड है क्योंकि अविष्का को लग रहा है कि ये दिन कोई सेलिब्रेट करता है क्या क्योंकि रील में आप लोग भी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये दिन कौन सेलिब्रेट करता है भाई तो भाई हम सेलिब्रेट करते हैं और शायद हम दुनिया के ऐसे पहले इंसान होंगे कि जो ये दिन सेलिब्रेट करते हैं मैं इसको 200% श्योर कहती हूँ और कोई सेलिब्रेट करता जरूर कमेंट करिएगा या किसी को याद भी हो ये दिन तो आप जरूर बताइएगा तो चलिए व्लॉग में आज का स्पेशल दिन हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि सेलिब्रेट चाहे कोई खास हो ना हो ये दिन याद रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है देख लीजिए मकान मालिक नहीं कर रहा अभी के पापा को करना पड़ रहा है फावड़ा खींचना पड़ रहा है क्यों क्योंकि लोगों को जरा समझ नहीं कि कैसे लगाना है कैसे सामान नहीं लगाना है बस ऐसे ही मतलब करना है और देखो वो लगे पड़े हैं फावड़ा खींचने में ऐसे ही रह गया मतलब आदमी जो है यहाँ पर गाड़ी से उतर के फावड़ा उठे पर लोगों को कोई मतलब नहीं है कि क्या करना है कैसे करना है किसी को असुविधा होगी नहीं होगी कोई मतलब नहीं है और वो यहाँ लोगों को नहीं मतलब है मतलब कि हमने सामान गिरा दिया है कोई मतलब नहीं है आप कैसे जाते हो कैसे नहीं जाते कोई मतलब नहीं है अगर रास्ता दे रखा है रास्ता दे रखा तो आप रास्ते में सामान करे हमारा काम नहीं है हमारा काम नहीं तो भाई आपका मजदूर नहीं है तो आपका काम नहीं है मजदूर आ गया तो मिस्त्री का काम नहीं है मिस्त्री कहता मेरा काम नहीं है मतलब कि हाँ मतलब एक हम कर ले गाड़ी से बैठने वाला आदमी उतर करके वो काम कर ले पर इनका कोई काम नहीं है क्यों क्योंकि जो है ये लोग कहते हैं ना लाट साहब हैं अरे भाई अब मकान बनवा रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है कि हम लोगों ने नहीं किया है लाट साहब दो मिनट काम नहीं है दो सेकंड का काम बराबर कर फ्लैट कर फ्लैट से बराबर कर देगा ना तो क्या होता है जो आगे एसी लगा होता है ना वो जो हवा हाँ, हाँ, पता है तो पानी डालना पड़ेगा और बस यही लगाओगे उधर ही तो ये हो गया विशाल मार्ट हमने कहा चलो यहाँ थोड़ी शॉपिंग करें वो भी दिखा दीजिए मम्मी क्योंकि ये अगर जैसे इधर तक आएगा तो इधर तक देखती हूँ हाँ और यहाँ पर जो है मैंने कपड़े चेक कर लिए हैं मैंने कुछ टी शर्ट्स वगैरह ली हैं अब अविष्का चेक कर रही हैं क्योंकि अविष्का को कुछ टी शर्ट्स वगैरह चाहिए और उनका कुछ सामान है तो फिलहाल अभी के पापा बहुत बोर हो गए थे कह रहे थे कि तुम लोग का 20 मिनट क्या होता है तुमने कहा था 20 मिनट जाऊँगा और तब से ड्रेसेस चेंज कर रही हो पर अब लेडीज़ का ऐसे ही होता है आज अभी के पापा को हर जगह परेशानी हो रही कहीं फड़वा चलाना पड़ रहा है कहीं स्कूटी खड़ी करनी पड़ी आज इनकी अरे बाबा रे और अभी के पापा समोसे की दुकान पे क्योंकि भाई भूख भी लग गई है थोड़ी थोड़ी सोचे कुछ समोसे वगैरह खा लिए जाए और फ्रेंड्स अभी के पापा जो है जब मैं वहाँ शॉपिंग कर रही थी विशाल मार्ट में तो अभी के पापा कुछ मेरे लिए खरीद रहे थे मुझे पता नहीं था बेसिकली क्या खरीद रहे हैं और मैंने ये तो देखा है कि डिब्बा गाड़ी में रखा उन्होंने और जब पूछा तो कह रहे हैं कि नहीं तो मैं घर पे चल के बताऊंगा अभी नहीं बताऊंगा पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है बजाज का डिब्बा है ये तो देख लिया मैंने और क्योंकि उन्होंने जरा फटाक से रख लिया पीछे रख दिया है तो मुझे पता नहीं चल रहा है देखूंगी कुछ चीज़ें मुझे ज़रूरत तो थी ये तो मुझे पता है पर क्या लिया इन्होंने ये नहीं पता और अकेले लिया ये बड़ी बात है क्योंकि ये कभी कोई सामान जो है अकेले ऐसे नहीं लेते मुझसे बिना पूछे नहीं लेते और ये आगे गर्मा गर्म समोसे चलिए तो इधर मम्मी लगी पड़ी है पोज देने में और मैं उनका परमानेंट कैमरामैन अब हाँ मम्मी ये सही है बिल्कुल ऐसे ही यस भाई पोस्ट तो देना ही पड़ेगा है? ऐसे तो अच्छा ही लगता ही नहीं ना जैसे फोटो ना खींचे तो दिन खराब हो जाता है देखिए कितने सारे पोस्ट दे रही हैं और पापा जो है इनकी बैठी में गाड़ी में करे जाओ तुम पोस्ट दो रील बनाओ जो करना है भाई मुझे थोड़ी देर के लिए आराम करने दो बख्श दो मुझे अभी के पापा भी हमें लेने आ गए हाँ अभी के पापा को बड़ी जल्दी है चलो भाई
और मुझे भी तैयार होने मुझे लगता है कैमरामैन को बहुत झेलना पड़ेगा। आ रहा है फाइनली हम आ गए घर और मुझे गिफ्ट मिला है, मुझे गिफ्ट मिला है और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है खोलने की। हालांकि मुझे अब पता चल गया है क्योंकि मैंने डब्बा देख लिया है क्या चीज़ है, पर आप लोग को नहीं पता है ना, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी क्या खरीदा है। डॉकेट मिल गया है तो ये अफो ना डॉकेट तुम्हारी शॉपिंग है, तुम्हारी शॉपिंग तो बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। हाँ अभी के पापा गोलगप्पे का क्या हुआ, लग गई थी का दबा के मेरे तो पानी चल गया। आप लोग खा रहे हो, मुझे ललचा रहे हो। जो लेकर आए हैं वैसे तो पता ही है, इसमें चित्र वगैरह बनाएंगे। ये एक जो है वो मिक्सर है, क्योंकि मेरा जो मिक्सर है वो थोड़ा गर्म हो जाता है, वो मिक्सर जूसर बहुत है और ये सिर्फ मिक्सर है। और ये देखिए, और ये मैं बजाज का जो मिक्सर उन्होंने दिया है मुझे इस स्पेशल ओकेजन पे। स्पेशल ओकेजन तो अभी हम बताएंगे, अभी पापा खुद अपने मुंह से बताएंगे क्या है। और ये देखिए तो ये लेकर आए साथ में, इसके साथ मुझे मिले हैं 3 जार। 1 जार ये वाला मिला है छोटा वाला चटनी वगैरह के लिए, ये वाला बड़े मसाले के लिए, और एक मिला है वो ये जूसर वगैरह के लिए। चलिए थैंक यू। पुराना भी हो गया था और परेशान हो रही थी तो हमने कि आज ऐसा दिन मिल गया, हमने कि थोड़ा सरप्राइज कर देते हैं। हाँ, तो अच्छा लगा मुझे आपका गिफ्ट, थैंक यू सो मच। और आज अभी के पापा नहीं बल्कि मैं बताऊंगी, मैं बताऊंगा। अच्छा चलो आप ही बताओ। आज ही के दिन 7 जुलाई को हमारा जो है, इनके पापा आए थे हमारे घर, आए थे शादी के लिए, इनकी शादी के लिए। और जो है इसके आप पीछे बहुत बड़ी कहानी है, हम लोग भाग की शादी करने वाले थे और भाग की शादी कर भी ली थी। हाँ शादी कर ली, घर वाले पीछे पड़ गए बिल्कुल, बहुत मार कुटाई हुई थी हम लोगों की, क्योंकि हमारी लव मैरिज है ना, तो इतना ज्यादा मार पीट हुई थी, इतने सारे लोग ऐसा कहते हैं, पर रियल में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो हम लोग के अंडरस्टैंडिंग को देख करके ना, लोग यही कहते हैं कि हमारी लव मैरिज है, फुल अरेंज मैरिज है हमारी, कोई लव मैरिज नहीं है। और कहानी कहानी पर कहानी में बहुत ट्विस्ट है, बहुत ट्विस्ट है, फिल्मी जैसी लगेगी बिल्कुल। आपको लगेगा कि आप हम किसी मूवी की स्टोरी सुना रहे हैं, हमारी अगर कहानी सुनेंगे ना आप तो दंग रह जाएंगे कि रियल में लव मैरिज कम अरेंज मैरिज जैसी लगेगी, पर है ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों ने बीएससी जो है पास में लखनऊ से किया है, इनका कॉलेज मेरा कॉलेज बिल्कुल आस पास था, 5-10 मिनट की दूरी पर रहा होगा। हाँ, और उसके बाद अगल बगल कॉलेज था। हाँ, पर एक दूसरे को नहीं जानते थे, था, हम जानते नहीं थे, नहीं जानते उसके बाद जो है हमने भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वही ज्वाइन किया जो इन्होंने ज्वाइन किया। मैंने पहले ज्वाइन किया, इन्होंने बाद में ज्वाइन किया। ये सीनियर थे, मैं जूनियर थी, और मैंने इनको कई बार एक दो बार भैया भी कहा है। आपको पता है मतलब कुछ मुझे नहीं आता था तो मैं इनसे पूछती थी, पर तब कभी सोचा नहीं था कि ये मेरे हस्बैंड हो जाएंगे, भैया और उनके सैया होंगे। कभी सोचा नहीं कि यार मतलब कि इनसे शादी हो जाएगी मेरी। वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं था, जबकि कुछ नहीं था ऐसा नहीं कि शादी का कोई वो नहीं था, कि कुछ नहीं कुछ नहीं। और ये तो दिल्ली आ गए थे, वो ये मैं दिल्ली आ गया। हाँ, आधा कोर्स करने के बाद मैंने एमसी दिल्ली से किया। हाँ, ये दिल्ली आ गए थे, फिर हमारा हम जानते नहीं थे एक दूसरे को, कोई मतलब नहीं था। उसके बाद फिर जब मैंने एमसी किया था तो इनके मौसी का लड़का वहाँ पढ़ता था, वो बीसीए में था, मैं एमसीए में थी, तो उनको उसको मैं बहुत पसंद आ गई थी, तो उसने इनकी मम्मी से कहा कि वहाँ एक लड़की है लखनऊ में जो बहुत अच्छी है, स्टिक है और भैया के लिए अच्छी रहेंगी। तब हमारी जो है वो हमारे पापा ने 7 जुलाई को इनके घर जा करके वो रिश्ता मांगा था। और फिर जब मैं जब पता चला ये वही लड़का है तो मैं आई वॉज रियली शॉक। दिल्ली में रूका काइंड ऑफ बोलते हैं तो सोचिए हम लोग एक ही लखनऊ में कई साल तक रहे, अगल बगल रहे, एक ही इंस्टीट्यूट में रहे, पर कोई नहीं कह सकता कि हम मतलब हम जानते थे, हमने बोला, पर कभी नहीं सोचा कि ऐसे तो बहुत सारे लड़के होते थे, क्या पता था कि यही इन्हीं से शादी हो जाएगी। मैंने कहा ना तो मतलब पता होता पहले से टाइम पास कर लेते। आज तक कहते तुम्हारे कॉलेज के बारे में सीटी मारता, मैं तो बगल ही कॉलेज में था। अच्छा लगता है सीटी मारना, और कौन से किस लड़के को सीटी मारना, लड़की को छेड़खानी करना, किसको पसंद नहीं है, सभी लड़के।
तो रियल में तो ट्यूनिंग हमारी अच्छी है, इस वजह से लोग कभी कभी कह देते हैं कि आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है, पर नहीं ऐसा नहीं है, हमारी एल्बम है, बाकायदे वीडियोज़ हैं, शादी है और सब कुछ जो होता है प्रॉपर तरीके से वैसा हुआ है। पर कहते हैं ऊपर वाली कि हम दोनों एक ही फील्ड में, शायद इस वजह से हमारी ट्यूरिंग अच्छी है। तो आई होप सो हमारी ये जो है लव स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो भैया लाइक जरूर करना, लाइक कर दीजिएगा और बाकी आपकी मर्जी है। हाँ। वीडियो आप जितना भी हो कमेंट करना कि आपको कैसा क्या चीज इसमें और अच्छा लगे, आपको हमारा गिफ्ट अच्छा लगा, हमारी लव स्टोरी अच्छी लगी या हम अच्छे लगे, जो भी है लाइक करना आप लोगों को। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सभी को, बाय बाय।